सर यहाँ पर क्राइम ब्रांच ने बहुत ही अच्छी सफलता का काम किया है। एक काफ़ी दिनों से एक चर्चित मामला चल रहा था जिसमें सेक्स सरगना पुलिस गिरफ्त में आई है, क्या है पूरा मामला? आज उज्जैन की क्राइम ब्रांच ने एक काफ़ी दिनों से हमारी एक्सरसाइज चल रही थी कि एक सेक्स रैकेट पर हम काम कर रहे थे और वहाँ पर जो है बसंत विहार कॉलोनी में एक किराए के मकान में पुरानी सरगना है यहाँ की कुसुमबाई बैरागी, जिसको गुड्डी के नाम से इस ज़िले में सब लोग जानते हैं, सभी जानकार हैं उसके बारे में, और एक सतीश राठौर उर्फ लंगड़ा, ये दोनों मिलके बसंत विहार में एक मकान किराए से लेके और वहाँ पर सेक्स रैकेट संचालित करते थे, जहाँ पे इनकी मोड़स अकंडी ये रहती थी कि कलकत्ता और बॉम्बे की लड़कियों को बुला के अपने पास यहाँ घरों घर पर रखते थे और वहाँ से मोबाइल पर डिमांड आने पर फोटो दिखाते और उस पर रेट तय होता और लड़की को अपने घर में भी सेक्स कराते थे और साथ ही साथ बाहर टूर पर भी उसको बड़ी मोटी रकम लेके भेजा जाता था। आज मौके से हमने दो लड़कियों को पकड़ा है, जिसमें जो है पिंकी यादव है वो मुंबई थाने की है और दूसरी जो है सुमी खान उर्फ ज्योति, उस वो जो है कलकत्ता की है, जिसको हमने वहाँ मौके से पकड़ा है और उनके पास से बहुत सारा जो है डायरी कागज़ और अन्य बहुत सारी चीज़ें उनसे प्राप्त हुई हैं और इस पर जो है आगे भी हम जो है पूछताछ करेंगे। बहुत सारा मोबाइल में भी बहुत सारा डाटा है जिस पे बहुत सारे लोगों का नाम मिला हुआ है, बहुत सारे लोगों की फ़ोटो हैं, डायरी में भी बहुत सारा लोगों का हिसाब किताब मिला हुआ है और ये पुरानी सरगना है, इसके खिलाफ़ जो है वर्ष 2012 और 13 में भी मुकदमे कायम हो चुके हैं और जिस पे गिरफ्तारी वारंट भी निकला था इनका और उज्जैन पुलिस को एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। सर बताया जाता है क्या रेट में जाती थी लड़कियां और किस प्रकार से ये सप्लाई करने का तरीका क्या था? इसका तरीका था, ये जो गुड्डी बाई है ये करीब 50 साल की है और ये जो है मुंबई और कलकत्ता से जो है लड़कियों को अपने पास बुलाती, अपने घर में किराए के मकान में रखती थी और वहाँ से जो भी इसके लोग कस्टमर थे जो इनसे परिचित थे वो जो है व्हाट्सएप पे मोबाइल के माध्यम से फ़ोटो देखते और पसंद करते और पसंद करने के बाद रेट तय होता और फिर वो कस्टमर इनके यहाँ से लड़की लेके जाता और वो अपने हिसाब से ले जाते और यूज करते और वापस लड़की को यहाँ छोड़ के चले जाते। इस पूरे काम में जो है गुड्डी बाई को भारी मोटी रकम मिलता था और इस तरीके से ये लड़कियों को लगातार चेंज भी करती रहती थी जिससे लोगों में लड़कियों के प्रति क्रेज बना रहे। इतना बड़ा क्राइम ब्रांच ने काम किया है, एक सेक्स बड़े स्तर पर चलाने वाला सेक्स रैकेट की सरगना को गिरफ्तार किया है और किराए का मकान लेकर इस प्रकार के गतिविधियां संचालित हो रही थी, क्या मकान मालिक के ऊपर भी कुछ प्रकार से पुलिस की कार्रवाई होगी? नहीं नहीं, मकान मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई। पूर्व में भी हमने जो भी यहाँ पे सेक्स रैकेट पकड़ा है उज्जैन ज़िले में उस पर जो है होटल मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी और इसी तरह इस बार जो है मकान मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। चल रही है, कहाँ आ रही है ये? क्या पढ़? हाँ बेटा, हाँ है।